लौकी और चना मिक्स करके उसकी सब्जी बनेगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे ब्लॉग में इसी तरह बने रहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और छठ पूजा का मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि कैसे मैं छठ पूजा करती हूँ, कैसे विधि विधान से, और नहाए खाए से हम लोगों का छठ पूजा का पर्व शुरू हो चुका है। तो प्लीज़ आप लोग छठ लिखना जय छठी मैया। और ये लौकी तो हम इस तरह काट लेंगे। सवेरे खाली से लियो। आज छठ पूजा का दूसरा दिन है। कल नहाए खाए से हमारा शुरू हुआ था और आज खरनी है। आज जिस दिन मीट और रोटी बनेगी और छठ माता को चढ़ाया जाएगा, और फिर कल हमारा जो घाट पे जाते हैं वो व्रत रहेगा, और उसके बाद अगले दिन हमारा सुबह का अर्घ देके हमारे व्रत का संपूर्ण हमारा व्रत पूर्ण होगा। और आज का मेरा है शाम का, जो अगले दिन जो हम जल देते हैं उस दिन का मैं आई हूँ छठ पे जल देने के लिए। तो चलिए मेरे साथ चल देते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के डालना जय छठ माता। तो हमने जल दे दिया है, तो अब नीचे चल के हम बनाएंगे मीठी भात जो गुड़ का बनता है। बहुत लोग गन्ने का रस का भी बनाते हैं, बहुत लोग मतलब हर अपने अपने प्रकार का है, अपने अपने देश का है, जिसको जैसा समझ में आता है वो अपना करता है। तो मैं चलती हूँ, मैं देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ, कैसे चढ़ाती हूँ। मैं आप लोगों को विधि विधान दिखाऊँगी कि मेरा कैसे है, क्योंकि मुझे उतनी नॉलेज तो नहीं है, मगर फिर भी जो मुझे समझ में आता मैं अपनी समझ से करती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ हर साल भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। कहती हूँ अगर मेरे से कोई गलती हो तो छठ मैया क्षमा करना मुझे, क्योंकि मैं भी अज्ञान हूँ, मुझे भी इतने ज्ञान नहीं है। तो अगर आप लोगों को प्लीज़ मेरे से कोई भूल चुक कोई गलती होती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना कि मेरे से क्या गलती हो रही है, तो मैं उस चीज़ को सुधारूँगी अपनी गलती को। अब चलो नीचे चलते हैं, हम दिखाते हैं क्या तो हम पहले चूल्हे का पूजा करेंगे अपने। Thank you.
Best vaccine, more convenient convenience, spending is way to the lines of food, school, peace, and anything.